मट्टी ना इस्तेमाल हो रहा। पहले हरी गोश्त भुने, पहले गोश्त भुनी, प्याज भुनी, चेक करो ना। लहम होनी भी है, उबलनी भी है थोड़ी थोड़ी। पुलाओ भी सो चेक करो, पुलाओ ना कलर चेक करो खाली चिकन। माशाल्लाह नाइस। फजर टाइम स्टार्ट होना सर ना। अच्छा सुबह सुबह मिलना सर नहीं था सर लाई उड़ो। अच्छा अल्लाहिर रहमान रहीम। तरफ चटाई हमारी गीली हो चुकी है। सो गाइस एक्चुअली ना आज मौसम बहुत ख़राब है और बड़े भाई ने अफ्तारी रखी है सारे कज़न्स की, इसलिए थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वो कह रहे हैं कि पकाना भी बाहर ही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे आपको पता है फिर हंडियाँ लेट पकती हैं। सो काफ़ी स्ट्रगल हो रही है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बाहर के माहौल में वही देसी मूल आपको दिखाएँ। यहाँ पर हमने वैसे ना गर्मियों में प्रॉपर एक दलीज बनानी है, रसोई बनानी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस व्लॉग एज़ वेल। जैसे कि आपने पहले व्लॉग में बहुत प्यार दिया है, अभी नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि इसी तरह के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करें। प्रदेश में देश जैसा माहौल है। सो बिलाल साहब को मैंने कहा कि अंडे उठाएं भाई, ये दलीज का फ़ायदा है, ये इस दलीज का फ़ायदा है भाई, उठा के जहाँ मर्जी सेट कर लें। बिलाल साहब क्या हाल है, इस दलीज का फ़ायदा चुकी इधर मर्जी नहीं जा। सो मैं भी कुछ उठाता हूँ, अभी फ़िलहाल एक उठाता हूँ और बाकी फिर दलीज तैयार करके आपको सीन दिखाते हैं। आए रखो तो ब्लॉग हो रहे ना, आए पड़ो करना तो यार बे ओ बुरियां हो गई है भाई, सारीयां लाई गई है मैं ब्लॉग। क्या कर रहे क्या कर रहे ड्रोप ना वाले चलो हो जी। तुआ पता उसी कई बंदे क्या होना, तुआ कई नहीं पता होगा, जिन्हें नहीं पता कमेंट करी पूछो क्या होना उन्हें बस फिर क्या होना। यह साढ़े अम्मी लाने होने सर तो उन्हें तक नहाना सी, इसने हांडी थोड़ी बची जानी है। यह मट्टी ने इस्तेमाल हो रहा चेक करो गाइस। फुल देसी माहौल ना कमरान भाई, कमरान भाई फुल चेक करो। बहुत चीज़ों में माहिर हैं साहब, पकौड़े बनाने माहिर हैं जनाब, स्पेशल चीज़ें इन्होंने पता है, स्पेशल थिंग जी इन्होंने पकौड़ा बनाने। प्याज गड्डी जान अदनान भाई छुरी नाइफ। क्या
अमरान भाई ऐसे में हाँ दो के काम शुरू करना जितना है क्या नाम है कमरान भाई दोनों या एक भाई बताएं आप कमरान भाई ये मैं चूज़े को वाश करने लगूँ धोने लगूँ चूज़े को ये आप देखें सो आपने बताना है कि कितना रखना है ठीक है प्लेट उठा के देंगे 150 ग्राम कैसे ने पुलाव ने त्रै चमचा भाई उन्होंने ये दादा ये बू दादा ये खाली भुजिया प्याज है तो तुम दुआ में जो हिसाब लाई कौन भाई चेक करो माए से पुलाव इतना काफ़ी है ये तो मूँह बड़ा चूल्हा जी नहीं भाई आपसे नहीं ठीक है माइका का तो कोशिश करे हाथ रखे थोड़ा सा हमारा पहला तजर्बा है ये इस हांडी में ना पकाने का फिलहाल पकाएगा लैम और मैं पका रहा हूँ चिकन का पुलाव ठीक है जी बिस्मिल्लाह कितना भाई ये कितना खाली चने कितना भाई चिकन चिकन मेरे ख्याल एक केजी से ज़्यादा है ज़्यादा है ये दो मुर्गे पूरे से अभी इसको हमने ढांप दी है 10 मिनट इसको देते हैं बिलाल साहब ये क्या कर रहे हैं ए जनाब बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं अच्छा अम्मी सुबह सुबह लकड़ियां फजर टाइम स्टार्ट होने सन अच्छा सुबह सुबह मी होने सन नहीं था इसरा लाई उड़ो अच्छा वाह लगसी तो सुखी जा सन आहा सो आज वो याद में तकियां लकड़ियां पई हैं ताजा करने दियो मना बनाना लग गए हैं तो ये गाइस बिलाल बच्चों की याद याद हो सी सब लकड़ियों को दल रहे हैं मां सब लकड़ियां दलने पे हो जी बिल्कुल अच्छा पंजाब में ना लकड़ी दलने को कहते हैं लकड़ियां चुटना लकड़ियां चुट रही होती जी हां तो ये देखें गाइस इधर मेरा जो है वो पुलाव के लिए तैयार हो रहा है ये वाला और उधर बिलाल का लैम तैयार हो रहा है लैम आज कड़ी बनाएंगे क्योंकि पुलाव के साथ कड़ी खाएंगे इंशाल्लाह आज मौसम देख लें यार काफ़ी बादल वगैरह है धूप धूप आती है लेकिन ज़्यादा बादल ही है ये वाला सीन है गाइस अभी जो है वो हमारी आग तो गाइस आग जल चुकी है लेकिन धूप आ चुकी है मासब धूप आएगी है क्या बरसी वैसे ये हमारी असल में चले हर काम में बेहतरी होती है अभी हवा बहुत है इधर है ना बराबर बारिश थी सुबह भी बारिश थी हाँ जी हवा बहुत तेज अल्लाह का शुक्र है देखने जिस दिन हम प्लान बनाते हैं बाहर कोई कुकिंग करने का अल्लाह ताला बंदे को खुद कुछ करना चाहिए हाँ हमारा भाई एक जमकर काफी है बिलाल साहब आज लैम तो सर जिम्मेदारी जा फिर भी लैम आपकी जिम्मेदारी में है
डेढ़ चम्मच बाद शुरू ठीक है ना आगे ना थला स्लो है ठीक है सो गाइस अभी जो है वो बिलाल साहब लैम दिखाएं जरा ना भाई लैम चेक करो ना लैम है होनी भी है बुलनी भी है थोड़ी ठीक है ते पुलाव पुलाव भी सोचा करो पुलाव ना कलर चेक करो खाली चिकन कलर माशाल्लाह नाइस आ रहा है जी देखो तो हाथ कुछ ने लगे बिलाल साहब माशाल्लाह ए मिट्टी नी हंडी ना कमाल है ना तोड़ा भी आया मेरे मिट्टी नी हंडी है ना ए इस ना ज्यादा कमाल है अच्छा जी ए कशिश है इसने विच ना जी जी हां सो गाइस अभी जो है वो माशाल्लाह बोटियों का कलर आना शुरू हो गया है गोल्डन होना शुरू हो गई है तकरीबन 10-15 मिनट में और चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा हमारा फिर इसमें हम टमाटर वगैरह डालेंगे और बाकी जो मसाला जाते हैं वो डालेंगे पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लैम की तरफ जाएंगे लैम बिलाल साहब आज बना रहे हैं और उसके बाद जनाब हम इधर करेंगे हमने चिकन की ब्रेस्ट लाई हुई उसकी हम जो है वो बोटियाँ रोस्ट करेंगे लेकिन वो एंड पे करेंगे जब अफ्तारी में तकरीबन 30 मिनट रहते होंगे वैसे आज ना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था खास लेकिन यह कि भाई रमज़ान ने फ़ोन किया था सुबह कि आज उनका दिल है कि कोई देसी माहौल में अफ्तारी कीजिए और साथ उनके कोई गेस्ट है और हमने बड़ी मिन्नतें की भाई किसी और दिन रख लेते हैं लेकिन कह रहे हैं यार आज ही करें हमारा बड़ा दिल है तो हमने कहा आ जाएँ बिस्मिल्लाह हम कोशिश करते हैं और लगे हुए ये देखें माहौल एक्चुअली जो सारी बात है ये खाने की नहीं है इस माहौल की बात है इस माहौल में बैठ के कुकिंग करना यकीन माने पाकिस्तान तो आम है हर जगह पे होता है बिलाल साहब यही बात है ना बिल्कुल यही बात है पाकिस्तान में ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं आपको ये एक्सपीरियंस आप फ्री में करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको पाकिस्तान में ये जो हंडी है वो 1000-1200 की मिल जाती होगी नहीं नहीं हाँ ये 300-400 की हंडी अच्छा 300-400 की चले 1000 की कर लें यहाँ पर ये वाली हंडी जो है वो 15 पाउंड की मिलती है भाई वो वाली हंडी 15 पाउंड की ये प्लेट 4 पाउंड की और ये लकड़ी है भाई 15 पाउंड का ये बैग मिल रहा है अभी किसी बंदे ने ऑफर किया है फेसबुक से कि फ्री ले जाए नेक्स्ट टाइम उठाएंगे फ्री भी लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो ये देसी करना वहाँ पे आसान है करना लेकिन लोग फिर भी नहीं करते वहाँ पे आसान है पाकिस्तान में आसान है हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है जहाँ पे आप दिल चाहे चूल्हा लगा के बैठ जाएं यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे हम आज़ाद हैं इसीलिए हम चूल्हा भी बनाएंगे उधर देसी स्टाइल में दलीज बनाएंगे और अभी लगे हुए मेहमान नवाजी अगर किसी का दिल हुआ हमें ज्वाइन करने के लिए तो नेक्स्ट अफ्तारी हम करेंगे इंशाल्लाह या ईद के बाद प्लान रखेंगे अगर किसी ने आना हुआ यूके से तो मोस्ट वेलकम एड्रेस देंगे आ जाएँ डेट बताएंगे आ जाएं ज्वाइन करें खाएं पिएं गपशप लगाएं माहौल को एंजॉय करें तो कुछ देर खोलियो हैं अरे लग रहा है कैमरे लग रहे हैं फोन करो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान सो गाइस हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर बुला साहब कितना थोड़ा रह गया मेरा बस थोड़ा रह गया पुलाव में 2 टमाटर रहना है रेसिपी तो कोई भी नहीं है सादा सी रेसिपी है हमने आपको रेसिपी नहीं दिखानी हमने आपको बना के दिखाना है और इस माहौल में बना के दिखाना है इतनी सर्दी में बुला साहब को दिखाया जरा क्या कर रहे हैं जो खाने वाले बंदे होते हैं ना उनको उसकी जो है ना पता चल जाता है कलर से पता चल जाता है कि कितनी रेसिपी अच्छी बनी है अच्छा बना या कितना टेस्टी होगा या नहीं होगा खाने वाले बंदे को पता चल जाता है अब ये देखें हमारे साथ ग्रेवी कैसी बनी है आपको आपके मुंह में पानी आ रहा है देखने से ही मजा आ रहा है ये बोटियों का कलर देखें ये बोटियों का कलर देखें ये बोटियों का अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो उस दिन भी आपने बहुत मजा जबरदस्त माशाल्लाह बड़ी ईद हमें याद आ गई है हां जी बहुत आपने गोश्त बनाया सिर्फ उधर है स्वाद आई है यकीन करो सो गाइस अभी जो है वो हमारी कुकिंग आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और हम भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं हवा भी साथ साथ चल रही है वैसे अभी ये मैं चावलों को भिगो रहा हूँ क्योंकि तकरीबन और 10 मिनट तक हमारा हो जाएगा रेडी जो है ग्रेवी इसकी रेडी हो जाएगी उसके बाद हमने जनाब चावलों को डाल देना है ये चावल मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ लैला ब्लैक देखते हैं कैसे बनते हैं लाल साहब आपने बनाया लैला ब्लैक कैसा है बहुत अच्छा बनता है अच्छा चावल है जी ये ले जी अभी इसको रख देते हैं इधर ये इधर चला गया
अभी ग्रेवी तैयार हो जाती है तो फिर इसको डालेंगे और अभी एंड रिजल्ट आपको दिखाएंगे पुलाव का। सो ये अभी यखनी पुलाव मसाला इसमें डाल रहे हैं, साथ ही दड़ा मिर्चें चली गई हैं इसमें। प्याज भुनी, टमाटर गोश्त रेड हो जाए, गोश्त रेड हो जाए भुनी तो उस तो बाद उसमें सटिया मसाला फिर बनाया। हाँ मतलब थोड़ा एक स्टेप जी। हाँ सो गाइस अभी जो है वो चावल डालने का आ गया टाइम जी। आइए दान भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ये कोई इज्जत बढ़ता रखे इस टाइम से। पहली बारी मट्टी की हांडी च पकाने अस चावल बला साहब। नहीं शक्ल तो चलो अच्छी उसी, मैं मेरा कंसर्न जरा वो ये है कि थोड़ा ना रहा बर्तन छोटा ना रहा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चावल हमारे जनाब डाल चुके हैं, ये देखें चावल हमारे डाल चुके हैं और अभी हम इसको ढक्कन ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी रेडी हो गया। अभी जो है वो चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दिए हैं, अभी देखते हैं कि क्या सीन है। मुझे लग रहा है ये देसका थोड़ा छोटा है, देखते हैं उठा के थोड़ी देर के बाद जब उबाला आएगा ना फिर देख लेंगे, नहीं तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमारा ओरिजिनल देखता है स्टील का उसमें। और ये बाद में बड़ी हांडी लाएँगे, हम ऑर्डर की हुई है लेकिन वो कह रहे हैं एक महीने तक पहुँचेगी, पाकिस्तान से आती है। सो बड़ा वाला देसका यही सेम होगा, जब किचन बनाएंगे उसमें फिर प्रॉपर होगा सारा कुछ। अभी पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। साथ साथ रहे, या तो हलवा बनेगा या फिर पुलाव बनेगा, कोई एक चीज़ तो बनेगी। ये गाइस ने मैंने आग चला ली है यार सेकने के लिए, लकड़ियाँ और लेके आए हैं चुनके। बिलाल साहब की हांडी तैयार हो चुकी है, हमारी तो तैयार हो गई है। थोड़ा तेंथा मारो थोड़ा पता लगा, तेंथा तो बगैर चेक करो इधर ये यार देखें लैम आज बनाई है बिलाल ने और इधर मैंने दमा दे दिया इसको। अब दमा तकरीबन 10 मिनट के बाद उतारेंगे और देखेंगे क्या सीन बनता है। बाकी मास्टर साहब जनाब तैयारी तैयारी करके चेंजिंग करके आ गए। मास्टर चेंजिंग करके आ गए, आटा है कुछ पातर मिट्टी नहीं उसने गुनी दानों आटा। सो गाइस अभी जो है वो चावलों का दम दिखाओ जरा, पहले कड़ी दिखाओ चावल दमा पटने पहले सालन कड़ी चेक करो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अभी ये चावलों का दम पटते हैं भाई, पहली दफ़ा जो है वो मिट्टी की हांडी में मैंने चावल बनाए। ओए हो वाह जी वाह जी वाह वाह, अच्छा अच्छी बनी है वैसे, बहुत अच्छे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। नजर आ सशना पे इस तरह आई है, बिल्कुल नहीं आई है घर बनाने होने। हां जी इस तरह नहीं है मजा सशना पे लेकिन अभी इसको तेंते से लाते हैं देखते हैं। अच्छा एक किरे की चावल सही किरे नहीं थोड़ा पता ना से सही बने, सही बने पूरा दम शगना सही चिकिया नहीं सी जैसे हां सोचें। गाइस अभी इसको हिलाते हैं थोड़ी देर और रखते हैं दम इसका ना, थोड़ी देर और रखते हैं और फिर बाकी सीन्स आपके साथ शेयर करते हैं। अभी जो है वो चावलों के साथ पुलाव बनाया हमने और उसके साथ अभी हमने बनाना है बना लिया शोरे वाला सालन, साथ ही कुछ रोटियां हमने बनानी हैं, फिर चिकन फ्राई करना है, कुछ पकौड़े बनाने हैं, चाट बनानी है, समोसे बनाने हैं और हमारी अफ्तारी डन हो जाएगी। तो गाइस अभी जो है पेड़े बन रहे हैं क्योंकि पुलाव बना लिया हमने लेकिन कुछ जो लोग हैं वो शायद रोटियां खाएंगे। तो ये दो खासे
How many roti you want? No, two roti. It's Ramzan. One roti is enough, please. Ibrahim, I'm law bande ki Ibrahim. This is Mr. Ibrahim. How are you, Mr. Ibrahim? I'm good. Say people to subscribe his channel. Me or him? Both of you. Yes. What's your channel name? Ibrahim Mahmood. Ibrahim? Official Mahmood. Yeah. Official Mahmood. That's nice name. And his? Kaiba. So guys, आप लोगों ने guess करनी है, आप लोगों ने guess करनी है इब्राहिम की age क्या है? इब्राहिम stand behind behind क्या? Guess the age. Guess करें age कितनी है बच्चे की age कितनी है? हाँ. Dieting bro. Dieting bro. ओ भूम है. तू सा set करो ना. ਰੋਟੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆ ਕੀ ਸਾਲੇ ਨਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚਿਕਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਫਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਆਣੋ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ I owe you very cool. You owe me money? No. How much? No. I owe you very cool. सो गाइज रोटियां भी पकाई हैं साथ पुलाव भी बन गया है और सारे लड़के उधर बैठ चुके हैं इफ्तारी करने के लिए आखिरी रोटी इसके बाद मैंने भी जाकर उनको ज्वाइन करना है वहां पर और देखिए मौसम कैसा ज़बरदस्त साफ़ हो गया यार आज फिर ना इफ्तारी से पहले काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था लेकिन अभी साफ़ हो गया है सो गाइज इफ्तारी हो चुकी है और चलो जी रोजे ना टाइम 48:59 बजे नहीं जाओ सूरज ने कितना नजर आया सो फाइनली गाइज ये ना हमने खाना फिर अभी क्योंकि नीचे जो है वो पानी पानी है हर तरफ चटाई हमारी गीली हो चुकी है क्योंकि बारिश हुई है ना आज पूरी तो हमने डिसाइड किया कि यार थोड़ा इंग्लिश एंड पे कर लेते हैं टेबल कुर्सियाँ साथ ही आग चला लिया हमने ये ये है जी पुलाव काफी लोग जमाल से इतना गाना नहीं याद है जमाल से इतना गाना नहीं याद है जो गर्म गर्म चाय डुल गई गाइस फाइनली हमारी चाय जो है वो पक के डुल भी गई है और पुआ नहीं आया अभी तक पुआ आएगा फिर चाय पी के फिर निकलते हैं यार सर्दी बहुत हो गई किधर निकलते हैं कौन निकलते हैं कर्नो जाना है तो सो उधर जाना सो फाइनली गाइस हमारी चाय आ चुकी है प्याली चाय जय सब थैंक यू वेरी मच बिलकुल ट्रकां ने उड़ाली चाह होनी प्रॉपर देसी आई चाह बनी प्रॉपर ट्रकां माशाल्लाह सो गाइस फाइनली ना इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं मेरे साथ इब्राहिम महमूद ऑफिशियल भी हैं इनको भी सब्सक्राइब कर लें इनको भी फॉलो कर लें बाकी ये सारे चाय वाला पक्की चाल कभी ना बैठी हुई ये देखें इब्राहिम हैव अ सिप ठीक है सिप क्या ऐसे क्या ऐसे क्या ये यू लव इट इट्स प्रॉपर पाकिस्तानी चाय हाँ चाय उसका पकौड़ी चाय ये प्रॉपर पाकिस्तानी प्रॉपर पाकिस्तानी चाय देसी चाय विद अ कप सो गाइस मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़